इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर युद्ध का एक ऐसा फ्रंट बन गया है जिसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट को जला रही है। जी हाँ, भले ही यमन की दूरी इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद यमन का हूती इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर सीधे हमले कर रहा है। हूती ने लाल सागर, बाबल मंडेप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अरब सागर और हिंद महासागर में कई बड़े बड़े हमले किए। यहाँ तक कि हूती ने एक जहाज को जब्त भी किया जो अभी तक हूती के कब्जे में है। हूती लगातार इसराइल और अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर हमले कर रहा है। अब एक बार फिर से हूती ने लाल सागर में इसराइल और अमेरिका के यूएसएस मैसन डिस्ट्रॉयर पर सीधा हमला किया। इस हमले में हूती ने कई एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो अमेरिकी युद्धपोत पर सीधे जा लगी हैं। इस हमले के अलावा हूती ने डेस्टिनी शिप पर भी एक हमला किया है जो इसराइल की तरफ जा रहा था। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता याहा सारी का भी बयान आया है। सारी का कहना है कि पहले तो डेस्टिनी जहाज ने उसे चकमा देने के लिए कहा कि वो इसराइल के बंदरगाह की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन हकीकत में वो इसराइल के कब्जे वाले अल रशरश यानी एलत बंदरगाह पर बढ़ रहा था। हूती ने पहले तो इस जहाज पर निगरानी रखी और फिर कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जाने को लेकर चेतावनी भी दी गई और इसके बाद ही इस जहाज पर हमला किया गया। عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة ديستني في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। आपको बता दें कि हूती ने लाल सागर में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ चौथे चरण के हमलों की शुरुआत कर दी है। हूती ने इससे पहले कहा था कि उसका चौथा ऑपरेशन दो हिस्सों में चलेगा। पहले हिस्से में भूमध्य सागर में हमलों के दायरे को बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से में अगर इसराइल रफा पर हमला करता है तो इसे एक्टिवेट किया जाएगा। हूती का कहना है कि हमले के दूसरे हिस्से में फिलिस्तीन के किसी भी बंदरगाह पर लंगर डालने वाले किसी भी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा और इस इलाके में हूती की रेंज में आने वाले सभी जहाजों पर हमला किया जाएगा। हालांकि ये हमले कैसे होंगे इसको लेकर हूती ने अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। हूती ने ये जरूर कहा है कि अगर अमेरिका यमन के खिलाफ जमीनी हमला करता है तो यमन के लोगों ने खुद को तैयार कर लिया है और अगर फिलिस्तीन में लड़ने के लिए रास्ता खोला जाता है तो यमन के लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। हूती ने पांचवें और छठे चरण के हमलों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि हूती का कहना है कि इसराइल जब तक गाजा के भीतर हमले रोकता नहीं है तब तक वो इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले जारी रखेगा। और अब अफ्रीका वाले रूट केप ऑफ गुड होप पर भी हूती इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर हमले करेगा। हूती का कहना है कि जहां जहां तक उसके लिए संभव होगा वो वहां वहां तक इसराइल अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले करेगा।